Unit 8, Chapter 16, in Analyzing Data, Exercise Number 2, प्रश्न क्रमांक 5, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में, राज्यों की संख्या 15 से 25, राज्य की संख्या 6, 25 से 35, राज्य की संख्या 11, 35 से 45 7, 45 से 55 4, 55 से 65 4, 65 से 75 2, 75 से 85 1। इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। हल वर्ग बारंबारता एफ मध्यमान एक्स एफ एक्स 15 से 25 6 25 से 35 11 35 से 45 7 45 से 55 4 55 से 65 4 65 से 75 2 75 से 85 1 मध्यमान एक्स 20 30 40 50 60 70 80 एफ है 120 330 280 200 240 140 80 यो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 35 सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1390 इसलिए माध्य इज इक्वल टू ए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1390 बटा 35 इज इक्वल टू 39.71%। निष्कर्ष पहला 25 से 35 प्रतिशत महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्यों में सर्वाधिक है। दूसरा एक राज्य ऐसा है जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 75 से 85 तक है। तीसरा पूरे 23 में महिला शिक्षकों का प्रतिशत केवल 39 से 71% है। चौथा चार राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 35 से 55 तक है। पांच देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 35 से 45 तक है। प्रश्न क्रमांक 5 किसी परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, माध्यमिक विद्यार्थी की संख्या 1, 12, 24, 32, 10, 5। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष लिखिए। वर्ग बारंबारता संचयी बारंबारता 0 से 10, 1, 10 से 20, 12, 20 से 30, 24, 30 से 40, 32, 40 से 50, 10, 50 से 60, 5। संचयी बारंबारता 1, 13, 37, 69, 89, 84। माध्यिकांक इज इक्वल टू एन बाई टू 84 बटा 2 इज इक्वल टू 42। चूंकि माध्यिकांक 42 पर संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है जिसकी संगत वर्ग 30 से 40 है। माध्यिका वर्ग 30 से 40 एल इज इक्वल टू 30 एफ इज इक्वल टू 32 सी एफ इज इक्वल टू 37 एच इज इक्वल टू 40 से 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। माध्यिका एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच 30 प्लस 84 बाई 2 माइनस 37 बाई 32 इंटू 10 30 प्लस 42 माइनस 37 बाई 32 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 बटा 32 दो दूने दो पंचे दो अट्ठे दो एकम दो छक्के 30 प्लस 25 बाई 60 इज इक्वल टू 30 प्लस 1.56 इज इक्वल टू 31.5
5-6। आंसर निष्कर्ष। पहला, न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1। दूसरा, 30 से 40 तक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या सर्वाधिक। तीसरा, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 5।